नमस्कार दोस्तों, मैं सोहेल मदान बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से। आज आप मेरे साथ असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खड़े हैं। हमें बहुत सारे लोगों से सवाल आते हैं कि अपने बगीचे में अगर हम पक्षियों को, चिड़ियाओं को बुलाना चाहें या अट्रैक्ट करना चाहें तो कौन से पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो उसमें से दिल्ली के इलाके में सबसे प्रमुख पेड़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो होगा जंगली करोंदा का। इसकी पहचान करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप ध्यान से इसके पत्ते की तरफ देखें तो इसमें ग्लॉसी ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं जो ओवल शेप में होते हैं, पर टिप्स बहुत ही नैरो होते हैं और ये स्टॉक के ऑपोजिट साइड्स में आपको मिलते हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल या फ्लावर्स दिखाई देते हैं। ये फ्लावर्स अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही शॉर्ट स्टॉक्ड होते हैं। 5 नैरो वाइट पेटल्स भी इस पे दिखाई देते हैं और इसकी सुगंध बहुत ही मधुर होती है और स्मेल बहुत ही स्वीट सेंटेड होती है। इसका फल छोटे छोटे हरे बेरीज़ की तरह शुरू होता है और एक बहुत ही हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हाईली न्यूट्रिशियस फल होता है इसका। पर ये फल आप तभी खाइए जब ये लाल हो जाए, पक जाए अच्छी तरीके से, तभी इसका असली फ्लेवर आता है। चिड़िया भी इस फल को बड़े चाव से खाती हैं। सिर्फ फल ही नहीं बल्कि इस पौधे में बहुत सी चिड़िया अपना घोंसला भी बनाती हैं। एक बहुत ही बेहतरीन नेस्टिंग हैबिटेट है ये, प्लस हमारी लोकल बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स का एक होस्ट प्लांट भी होता है। हर पौधे की तरह जंगली करोंदा भी एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके पार्ट्स जॉइंट और मसल पेन में बहुत टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं। एक बहुत ही किफ़ायती दवाई भी बनती है इसकी जड़ों को फसल की। अगर आप कैटल या मवेशियों के घाव में डालेंगे तो कीड़े नहीं लगते उसमें, तो आप इस पौधे के बहुत सारे मेडिसिनल फ़ायदे भी ढूंढ सकते हैं। जंगली करोंदा पहले खूब दिल्ली में पाए जाते थे, रिज जो अरावली के, दिल्ली के अरावली के इलाके हैं उनमें बहुत कॉमन था। अब धीरे धीरे ये हमारे जंगलों से, दिल्ली से गायब हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, विनती करूँगा कि आप अगर आपके पास जगह हो, हेज बनानी हो, गार्डन हो, सड़क के पास कोई इलाका हो जहाँ आप पेड़ लगाना चाहते हैं, वहाँ पे करोंदे के बारे में ज़रूर सोचना, जंगली करोंदे के बारे में, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आता है, चिड़ियाओं के बहुत काम आता है, बटरफ्लाइज मौत के बहुत काम आता है और बहुत ही ड्राउट रेजिस्टेंट हार्डी ट्री है जिसकी बहुत ही कम देखभाल करनी होती है। तो इसको ज़रूर लगाइए और हर साल फरवरी में इसके सीड आना शुरू होता है और मिड अप्रैल तक सीड रहेगा। तो प्लीज़ अपने परिवार के साथ जंगली करोंदे के जो बीज है इनको इकट्ठा करिए और जल्द से जल्द अपने गार्डनों में, अपने टेरेसेस में, अपने कॉलोनी के पार्क्स में इसको लगाएं और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।